धर्मशाला में होने जा रही प्रदेश की पहली ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के लिए केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को अभी तक 11 करोड़ की आर्थिक मदद प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 करोड़ रूपए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के माध्यम से, जबकि 1 करोड़ रूपए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के लिए मिले हैं। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता में कही। धर्मशाला में होने जा रही प्रदेश की पहली ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के लिए केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को अभी तक 11 करोड़ की आर्थिक मदद प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 करोड़ रुपए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के माध्यम से, जबकि 1 करोड़ रुपए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के लिए मिले हैं। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि एक नया कार्य प्रदेश में होने जा रहा है और ये इवेंट पहली तरह का प्रदेश में होने जा रहा है। सीएम ने कहा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से विकास बढ़ता है, जहां भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुई उस राज्य को लाभ हुआ है। हिमाचल की परिस्थितियों को देखकर ये काम कई बार कठिन भी लगता है, क्योंकि निवेशकों का दिल जीतना आसान नहीं है, लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में हिमाचल कई गुना बेहतर है। धर्मशाला में प्रेस वार्ता में सीएम ने कहा कि बाहरी निवेशकों का दिल जीतना भी आसान नहीं होता। हिमाचल में कानून व्यवस्था बेहतर है, शिक्षा में हम पहले, पर्यावरण में दूसरे, हेल्थ में दूसरे और उद्यमिता में देश भर में चौथे स्थान पर हैं। इतना आगे होने के बावजूद जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा तो लगा कि बाकी राज्य कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। सीएम ने कहा कि हमारी कनेक्टिविटी बढ़ रही है, 4 लेन और NH पर काम हो रहा है, प्रदेश में एक बड़े एयरपोर्ट पर भी काम चल रहा है। सीएम ने कहा कि नई पहल करते धर्मशाला में 7-8 नवंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर मीट आयोजित की जा रही है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समय दिया है, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री 7 नवंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का उद्घाटन करेंगे तथा 8 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन समारोह में शिरकत करेंगे। सीएम ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट से पहले इन्वेस्टर से बात करने के लिए देश के विभिन्न राज्य सहित विदेशों का दौरा किया, जिसका अच्छा रिस्पॉन्स रहा। सीएम ने कहा कि पहले इन्वेस्टर्स यहाँ से परेशान होकर लौट जाते थे, भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए इंडस्ट्री पॉलिसी में बदलाव किया गया। इंडस्ट्री पॉलिसी 2019 में बदलाव किए, कुछ नया जोड़ा, वही टूरिज्म पॉलिसी 2019, आयुष पॉलिसी 2019, पावर पॉलिसी 2019, आईटी पॉलिसी 2019 में बदलाव किए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में विदेशों से आने वाले 200 निवेशक मेहमानों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। एक नया कार्य, एक नया इवेंट हिमाचल प्रदेश जो है वो करने जा रहा है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक नए विजन के साथ हम लोग ने एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन 7 और 8 तारीख को नवंबर को यहाँ धर्मशाला में तय किया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसकी इनॉग्रेशन में आ रहे हैं, इस काम को शुरू करने के लिए। और उसके बाद हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो हिमाचल प्रदेश में इस इवेंट को समापन करने के लिए आ रहे हैं। ये इवेंट अपनी तरह का पहला इवेंट हिमाचल प्रदेश में, और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि एक अच्छा रुझान हमने इन्वेस्टर्स का इसमें देखा है, और पूरे देश भर से और देश के बाहर से भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट के आने की संभावना हिमाचल प्रदेश में हमको लग रही है। अभी तक जो हमारे पास MOUs साइन हुए, और MOUs का अभिप्राय ये नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट आ गया, वो उस दिशा में एक संभावित एक आंकड़ा होता है, उसमें लगभग 82,000 करोड़ रुपए की जो है इन्वेस्टमेंट की संभावना हम देख रहे हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि लगभग 200 डेलीगेट्स, फॉरेन डेलीगेट्स इस समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं। और इसके साथ साथ में मैं देख रहा हूँ कि पूरे देश भर से बहुत नामी ग्रामी जो इस प्रकार के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, वो आ करके यहाँ इसमें हिमाचल प्रदेश के इस इवेंट में भाग लेने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। तो बहुत बड़ी एक उम्मीद है, और मैं सबको उम्मीद के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए, और एक शुरुआत है ये, और आने वाले समय में इस काम को जारी रखना चाहिए, क्योंकि रोज़गार की बहुत सारी संभावनाएँ इसमें विद्यमान हैं, और हिमाचल प्रदेश में विकास के लिए भी बहुत बड़ा योगदान हम प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट के माध्यम से कर सकते हैं।